आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज सियासत का सुपर शनिवार है। पहले चरण की वोटिंग से आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने वाली है। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक और मंथन करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। साथ ही समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील भी करेंगे। तो वही बिजनौर और गजरौला का मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी रणनीति में उतर चुकी है। आज तमाम संबंधित नेता डोर टू डोर कैंपेन करेंगे इस खबर पर। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी वर्चुअल रैलियां कर रही है, उनके सभी प्रमुख नेता वर्चुअल संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। उनके सभी दिग्गज मैदान में हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से कितनी मजबूत नजर आ रही है? जी तिस्ला, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जो 58 विधानसभा क्षेत्र है, जहां 11 जनपदों में चुनाव है, उस क्षेत्रों में आज भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, वो पश्चिम पहुंच रहा है। जेपी नड्डा समेत आपके केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम, और स्वतंत्र देव सिंह भी पश्चिम के दौरे पर रहेंगे। तो इसलिए साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो पश्चिम का चुनाव है, उसको बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। अगर पिछले चुनाव को हम मद्देनजर रखें तो 2017 में 58 सीटों पे 53 सीटों को बीजेपी के हाथ में 53 सीटें आई थी। वहीं सपा के हाथ में 2 सीटें आई थी और 2 सीटें बसपा और 1 सीट आरएलडी के हाथ में आई थी। भाजपा की तरफ से साफ तौर पे चाहती है कि पश्चिम से हम कमजोर ना हो, क्योंकि अगर पिछली बार पहला फेज का चुनाव भी पश्चिम में ही हुआ था, उसमें साफ तौर पे बीजेपी काफी बढ़त बना के और सरकार बनाने में पश्चिम का काफी योगदान रहा था। इन सब चीजों को देखते हुए बीजेपी इस पे चूक नहीं करना चाहती और डोर टू डोर कैंपेन के तहत आज केशव प्रसाद मौर्य आज कुछ अपने क्षेत्रों में जाएंगे, उन प्रत्याशियों को मजबूत करने हेतु उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और संगठन की बैठक भी करेंगे। वही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पश्चिम जाएंगे और वहां कोविड की जो व्यवस्थाएं हैं और स्वास्थ्य विभाग का जायजा लेंगे और संगठन की बैठक करेंगे। वही जेपी नड्डा भी वहां जाएंगे और आपको बता दें कि आज भाजपा की तरफ से जो वर्चुअल डिजिटल जो प्रचार सामग्री है, जो गाड़ियों पे आजकल डिजिटल रैली के लिए निकल रही है, प्रचार का एक डिजिटल माध्यम हो गया है, उसको आज योगी आदित्यनाथ और जो सह प्रभारी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अनुराग ठाकुर और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष के स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर उसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उन्हें रवाना किया गया। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जहां कोविड गाइडलाइनों की वजह से वैलियों पे पाबंदी है, वहां डिजिटल ये गाड़ियां जाएंगी और अपने अलग अलग विधानसभाओं में जाकर अब भाजपा के प्रति उनका जनाधार को तैयार करने में कोशिश करेंगे। जी विभांशु, आज 22 जनवरी है, 10 फरवरी से मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 10 जगहों पे होने हैं जहां से कहा जा रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोड मैप होगा किसानों को मनाने के लिए? किस तरह से वो किसानों को मनाएंगे ताकि किसान उनके मत में मतदान करे? जी त्रिशला, अगर बात करें तो पश्चिम में खास तौर पे गन्ना किसान है। गन्ना किसानों की अगर बात करें तो जब आपने देखा था कि किसान आंदोलन हुआ, जो किसान कह रहे थे तीन काले कानून, उन तीन काले कानून में अगर देखा जाए तो राकेश सिंह टिकैत जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से आते हैं,
तो उन्होंने खास तौर पे एक अच्छा खासा वहां जमावड़ा दिल्ली के अंदर गाजीपुर बॉर्डर में था, तो उसमें खास तौर पे पश्चिम के किसान थे, और पश्चिमों के किसान का साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी की तरफ से किसानों को अवहेलना किया गया है। मगर बीजेपी ने पक्ष रखते हुए कहा कि हम किसान सम्मान निधि और तमाम ऐसे योजनाओं से किसान के लिए लाभदायक है, उनके खेती में लाभ के लिए तमाम प्रयत्न किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे खाप पंचायतों में, चाहे वो नरेश सिंह टिकैत की खाप पंचायत हो जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही थी किसान आंदोलन के दौरान, उसमें भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये भीड़ बीजेपी के पक्ष में जाती है या विपक्ष में। अब उनके पास इस बार पहले चरण का मतदान भी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पहले चरण का जो चुनाव है 10 फरवरी से जो होने हैं ठीक 18 दिन बाद, जहां से लोग ये लगातार कह रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि किसान खासा बीजेपी से नाराज है, तो ऐसे में रोड मैप क्या है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से वहां बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों की कि उनके मत में किसान उस बार का मतदान करे, क्योंकि ये बड़ी अहम अहम वो मुद्दा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, ये काफी उल्टी खीर होगी बीजेपी के लिए कि पश्चिम में किसानों को मनाना, लेकिन खास तौर पे आपने देखा कि डैमेज कंट्रोल के लिए तमाम नेता वहां पहुंचे हुए हैं जो किसानों से मिलेंगे, और उनके डोर टू डोर कैंपेन है, उसमें जो क्षेत्र की वहां के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसे कई मामले आए जिसमें बीजेपी के नेता अगर जो कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं तो उन्हें गाँव से खदेड़ दिया गया, चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के समय जहां बीजेपी की तरफ से अपने अलग अलग नए जो चुनावी फार्मूले हैं वो अपनाए जा रहे हैं और नए नए योजनाओं को बताया जा रहा है, किसानों के लिए हम फ्री बिजली देंगे और जो 300 यूनिट बिजली है उसको आपको आधा बिजली देंगे, इसमें पूरी तरह से देखा जाए तो कांग्रेस हो या सपा या भाजपा, सब बिजली की खेल खेल रहे हैं। तो अब खास तौर पर हम देखते हैं कि पश्चिम के किसान ट्यूबवेल से अपने खेतों को सींचते हैं, तो अगर बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई घोषणा नहीं किया गया है, उनके मैनिफेस्टो अभी तक बताया नहीं गया कि किसानों के लिए क्या क्या किए जाएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं आज कुछ दिन में चुनाव से पहले, आपने बताया कि 11 दिन बाद चुनाव है, तो अब कुछ दिन के अंदर ही ऐसी घोषणाओं को भी 18 दिन बाद पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में है। विभांशु, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी, कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है युवाओं के लिए, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपने प्रमुख दावे कर चुकी है कि वह चाहे वो बिजली को हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हो, चाहे वो कुछ अन्य मुद्दे हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने कोई वादे नहीं किए हैं और ना ही कोई अभी मैनिफेस्टो लाई है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अहम वादे और मैनिफेस्टो क्या कुछ हो सकते हैं? जी, अगर पिछला बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो मैनिफेस्टो रखी है उसमें साफ तौर पे कार्यकर्ताओं और जनताओं से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू की, उसमें जो सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से उस पन्ने को, उस चिट्ठी को, उस सुझाव को के जो प्रदेश कार्यालय है वहां से जमा करना था, अब उसको सबको संलग्न कर एक नया मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। अब बीजेपी का अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो वो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र कहा जाता है। संकल्प पत्र की अगर बात करें तो जहां समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों के लिए फ्री बिजली दे रही है, और आपकी जो समाजवादी पेंशन थी उसको 6,000 से 18,000, स्कॉलरशिप को 18,000 कर दी है, वही कांग्रेस की तरफ से जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उसमें 20 लाख जो रिक्त पद हैं उसमें 8 लाख महिलाओं के लिए आरक्षित और 52 लाख पुरुषों के लिए, और अगर बात करें तो उनकी तरफ से अभ्यर्थियों के लिए जो जाने आने का किराया ट्रेन बस और तमाम ट्रांसपोर्ट के माध्यमों पे लगता था उसको पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। वही अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बार पेंशन योजना को फिर से प्रदेश में लागू करने के लिए बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के प्रत्याशी भी आखिरी में ही उनका नाम डिसाइड किया जाता है जो उनकी पार्टी है, और आपके जो मैनिफेस्टो में सबसे आखिरी में ही आता है, तो देखने वाली बात है कि महज कुछ दिनों में उनका मैनिफेस्टो आ जाएगा, और जो कांग्रेस की तरफ से और जो समाजवादी की तरफ से जो योजनाएं जो मैनिफेस्टो में उनके तरफ से कहा जा रहा है हम ये करेंगे, बीजेपी उसका कैसे काट ढूंढती है और कैसे जनता के दिलों में फिर से
अपने लिए जगह बनाती है, और अगर सरकार बनाती है तो कैसे अगर बनाती है? शिक्षक अभ्यर्थी की करें तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दावे और वादे सब करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने प्रमुख वादों में शिक्षक अभ्यर्थियों को रखे हैं। कांग्रेस ने भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात रखी है, और कहीं ना कहीं इतने दिनों से जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी SCERT कार्यालय से लेकर अन्य जगहों पर प्रदर्शन करते रहे, चाहे वो भाजपा कार्यालय हो, सपा कार्यालय हो, बसपा कार्यालय हो, कांग्रेस कार्यालय हो, हर जगह शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, तो शिक्षक अभ्यर्थी कितना अहम नजर आ रहे हैं इस विधानसभा 22 के चुनाव को लेकर, क्योंकि सभी पार्टियां अपने प्रमुख वादों में शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रही है। जी त्रिशला, अगर बात करें तो ये जो अभ्यर्थियों का मामला है, तो आपने 7 महीने तक देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें आपके त्रुटि संशोधन, आपके आरक्षण घोटाला और ऐसे कई सारे मामलों को लेकर आज 7 महीनों तक प्रदर्शन किए, जिसके बाद भी उन्हें 6,000 सीटें दी गई। आरक्षण घोटाले में 22,000 की जगह, और ऐसे कई सारे सरकार की तरफ से, और जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री है सतीश जी, उनके तरफ से उनके समस्याओं का बताया गया कि निदान हो गया है, लेकिन उनका प्रदर्शन फिर भी जारी रहा। आखिरकार वो समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगने जाते हैं कि अगर आप भी हमारा समर्थन करें। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, चाहे अगर बात की जाए कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती की, या कनिष्ठ सहायक 2019 भर्ती की, चाहे अबकारी सिपाही भर्ती की, चाहे 97,000 DL-ED, TET और इन सब भर्तियों की, चाहे अगर बात करें तो 68,500 सहायक भर्ती, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती, खासतौर पर आपने देखा कि कैसे प्रदर्शन चला और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मांगते रहे, मगर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं दिया गया। तो खासतौर पर हम देख सकते हैं कि छात्रों के अंदर एक आक्रोश है, अब बीजेपी इसको डैमेज कंट्रोल को कैसे करती है, अब घोषणा पत्र में देखना होगा कि इनके लिए क्या चीजें आती हैं और क्या उनके लिए प्रावधान किया जाता है। अब बीजेपी के लिए काफी चिंता का विषय है कि ऐसे छात्र और ये तमाम प्रदेशों, तमाम जो जिलों से लोग निकलकर लखनऊ के अंदर में, कभी विधानसभा पे, कभी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री के घर पे, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते थे और अपनी मांगों को लेकर मांगते थे, मगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, और जो कुछ महज सीटों पे बात बनी है, कुछ महज अभ्यर्थियों का ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, मगर उनकी पूरी बात यह है कि 69,000 जितने अभ्यर्थियों को बताया गया था सबको नियुक्ति पत्र मिले। वही कांग्रेस की तरफ से एक दाव खेला गया है जिसमें सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। वही अखिलेश यादव ने भी इस पे कहा था कुछ अपने महज कुछ दिन पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे और इनसे माफी मांगेंगे कि आपके साथ गलत बर्ताव हुआ। आपने देखा कि 1090 पर लगभग आपके 1 महीने पहले छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुई थी, जिस पर दिल्ली तक आवाज उठी थी कि छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करना बहुत ही गलत, और इसमें सरकार की तरफ से माफी भी मांगी गई थी और तमाम लोगों की तरफ से निंदा भी की गई थी। जी त्रिशला जी, धन्यवाद विभांशु आपका। तो आपने देखा किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी भी अपने पूरे चुनावी मोड में है कि जो उनके सुनेगा वो उसको टिकट देंगे, और वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर गई है, जहां एक तरफ सपा अपने वर्चुअल रैली लगातार कर रही है, सपा के कई प्रमुख बड़े नेता लगातार वर्चुअल संबोधित कर रहे हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, सभी चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं। इसी बीच आज अपना चुनावी रथ भी भाजपा ने लॉन्च कर दिया है, तो देखना यह है कि इस बार का चुनाव कितने कड़े के टक्कर का होगा। दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त की आज अहम बैठक होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ चर्चा करेगी। इस बैठक में रैलियों, जुलूसों पर प्रतिबंध को लेकर फैसला होगा। इसके बाद CEC की 11:30 बजे स्वास्थ्य सचिव के साथ, 12:30 बजे से राज्यों के CM के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। जैसा कि प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन ने लोगों की चर्चा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, मुख्य आयुक्त चुनाव की इस बैठक में क्या अहम मुद्दे होंगे, किन विशेष चीजों को लेकर यह बैठक होने वाली है? विभांशु जी, अगर बात करें आज की बैठक की, तो
तो साफ तौर पे आपने देखा पिछला की जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान करना था तो वो सभी पार्टियों की संयुक्त रूप से बैठक कर उनके विचार जाने थे कि चुनाव को लेकर क्या होना चाहिए। इसमें साफ तौर पे बात बनी थी कि चुनाव होंगे मगर कुछ पाबंदियों के साथ, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा बस डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दी गई थी, जिसमें 5 लोग जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे। तो अब देखने आज की जो बैठक की गई है, ये आपकी बैठक चल रही है, 10:30 बजे से बैठक की शुरुआत हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक कर रहा है और खास तौर पे माना यह जा रहा है कि चुनावी रैलियों को लेकर ऐसी कुछ छूटें दी जा सकती हैं जिससे नेता अपनी बात को जनता तक जाकर कह सके। वहीं आपको बता दें कि 10:30 बजे की बैठक खत्म होने के बाद 11:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य आयुक्त के साथ बैठक होगी और पूरे जो ओमिक्रोन और जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश भर में आज विगत लगभग 6-7 दिनों से 3 लाख मामले आ रहे हैं, तो इन सब चीजों विषयों पर चर्चा होगी और उनका पक्ष जाना जाएगा कि कैसे क्या क्या ढिलाई दी जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को। इन सब विषयों के बाद में अगर बात की जाए तो 12:30 बजे जो इलेक्शन कमीशन है ये सभी राज्यों के जो 5 राज्य जहां चुनाव है, जो 5 राज्य जैसे आपके पंजाब और गोवा समेत उत्तर प्रदेश जो 5 राज्य जहां चुनाव है वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगा और जायजा लेगा, उनका पक्ष लेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ चुनावी रैलियों को बंद कर दिया गया है, चुनावी रैलियों को प्रतिबंध लगा दिया गया है कोरोना के मद्देनजर रखते हुए मामले जैसे जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, तो वही लोगों का जैसे मानना ये है कि इस बार का जो मीटिंग है इसमें कुछ प्रतिबंध को ढिलाई दी जाएगी। इसमें खास तौर पे आप देखें तो इस बार डिजिटल कैंपेन हो रहा है और डिजिटल रैली के लिए आज भाजपा की तरफ से और आपके तमाम पार्टियों की तरफ से डिजिटल गाड़ियों को जिलों में निकाला गया है, जो अपनी तमाम योजनाओं को मैनिफेस्टो को तमाम जो भी लुभावने वादे किए जा रहे हैं उसको उस गाड़ियों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें खास तौर पर आप देख सकते हैं ये नुक्कड़ सभाएं के तौर पे ही ये गाड़ियां जाएंगी, मार्केटों के बीच में जाकर वहां अपनी योजनाओं को चलाएंगी। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन की एक बैठक रखी गई। इस बैठक में अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक खत्म होने के बाद 1 बजे के करीब उसका निर्णय निकल के आएगा कि क्या ढिलाई दी जाती है राजनीतिक दलों की। आपको बताना चाहेंगे कि कोविड नियमों को लेकर तमाम विधानसभाओं के तमाम जिलाओं के नेताओं के ऊपर कोविड अधिनियम एक्ट के तहत केस भी हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी में आपको बताना चाहेंगे कि 14 तारीख को साई प्रसाद मौर्य के ज्वाइनिंग के दिन भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कोविड-19 उल्लंघन का केस हो गया है। तो अब तो देखने वाली बात यह होगी चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है और चुनाव को लेकर क्या वो फैसला देता है। संपूर्ण राष्ट्र में ओमिक्रॉन फैल रहा है और इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जैसा आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पे भी कोविड-19 नियमों के उल्लंघन करने पे केस हुए हैं, तो ऐसे में आज चुनाव आयोग की बैठक है, क्या कुछ प्रमुख फैसले उन केसेस पे आ सकते हैं या फिर क्या कुछ प्रमुख और फैसले आएंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन को कंट्रोल में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को संपूर्ण कराया जाए। जी त्रिशला, अगर अभी मैंने बताया कि 10:30 बजे 11:30 बजे के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक है, जिसमें साफ तौर पे जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं और खासकर जिस प्रदेशों में चुनाव है उन प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम है उसके साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक हो रही है, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकती हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का पक्ष जाना जाएगा कि क्या मामले हैं और क्या पॉजिटिविटी रेट है और जो फैलने का जो महामारी फैलने का जो रफ्तार है वो क्या है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा ऐसी कुछ बताई जाएंगी बातें जिसको जिसपे कोरोना के रोकथाम के साथ साथ चुनाव को अच्छे तरीके से कराने का फैसला जो चुनाव आयोग लेने के लिए इन सब चीजों में मदद देगा। वहीं 12 बजे 12:30 बजे जो 5 राज्य के मुख्यमंत्री है उनके साथ भी बैठक की जाएगी। उस बैठक में प्रदेश के जो सभी जहां जैसे मामले हैं जैसे स्थिति है उन सब स्थितियों के बारे में जायजा लेंगे।
अब भाई आपकी जैसा कि एक बजे इस पर विभांशु, मैं आपको रोकना जी चाहूंगी, जैसा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग 11:30 बजे स्वास्थ्य सचिव से है, तो क्या इससे हम ये अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के कुछ अहम गाइडलाइन फिर से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है, तो क्या इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बीच ओमिक्रॉन या COVID-19 गाइडलाइन से लेकर कुछ और प्रमुख नियम आ सकते हैं? क्योंकि 10:30 बजे मीटिंग शुरू हो गई है, लगभग 15-20 मिनट ये मीटिंग हो चुकी है, तो क्या कुछ और खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से? जी, साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तौर पे माना ये जा रहा है कि वैल्यू को लेकर ऐसी कुछ ढिलाई दी जाएगी। जैसे अब आपने देखा कि प्रदेश में जिलों के ऊपर दे दिया गया है जिम्मेदारी कि जिस जिले में जितनी केसे होंगी उस हिसाब से वहां के जो DM होंगे, जो CMO होंगे, उनके ऊपर होगी पाबंदियां। वैसे ही ठीक ऐसा माना जा रहा है कि जिस जिले में केसेस ज्यादा होंगे वहां पे प्रतिबंध ज्यादा रहेगा और जिस जिले में केसेस कम रहेंगी वहां पर थोड़ी ढिलाई दी जाएगी। वही अगर बात करें तो वर्चुअल रैली के लिए जैसे एक सुझाव में जो राजनीतिक दल है उन्होंने बताया थे कि 1000 और 600 से 1000 की सीमा में रैली करवाने की अनुमति, जिसमें खास तौर पर कार्यकर्ता आकर वहां से बातों को सुने और लोगों को डोर टू डोर कैंपेन के तहत जाके बता सके। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ऐसा कुछ फैसला दे सकता है। अब 1 बजे इसका निर्णय होगा। वही हेल्थ जो एडवाइजरी टीम है उनके तरफ से पक्ष जाना जाएगा, मुख्यमंत्रियों के तरफ से पक्ष जाना जाएगा और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाना होगा। अब वही अगर बात करें तो गांव में अभी कोरोना के मामले थोड़े कम है शहरों के मुताबिक, तो देखने वाली बात होगी गाँव के लिए क्या ढिलाई दी जाती है। अब वही अगर बात करें मॉनिटरिंग की तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिर कोरोना गाइडलाइन को आप देख सकते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बाहर पुलिस को लगाया जा रहा है, उनके कार्यक्रमों में पुलिस बाहर जाकर निगरानी कर रही है कि क्या कार्यकर्ता ढंग से मास्क लगाए हैं और क्या अंदर COVID-19 जो गाइडलाइन है जो चुनाव आयोग की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दी गई है गाइडलाइन, क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं। वही आपको बता दें कि इसी बीच जो एक समाजवादी पार्टी पे ऐसे केसेस हो चुके हैं और तमाम जिलों में जो लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जो छोटे छोटे जनसैलाब को इकट्ठा कर ले रहे हैं 1000-2000 की संख्या, ऐसे भी कई प्रत्याशियों के ऊपर COVID-19 महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। तो इन सब को देखते हुए जो स्वास्थ्य एडवाइजरी टीम है वो अपना पक्ष रखेगी और चुनाव आयोग इस पर फैसला देगी। जी कृष्णा जी, धन्यवाद विभांशु आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग आज अपनी मीटिंग कर रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग राज्यों के सीएम के साथ भी बैठक करेगी और कई महत्वपूर्ण पर चर्चा भी होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ अहम फैसले भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त आयोग की मीटिंग चल रही है। तो आपको बता दें कि यह थी उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।